हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक कम में। तो मैं आज बताने जा रहा हूँ कि अपना फ़ोन मेमोरी का फ़ोटो मेमोरी कार्ड में कैसे सेव करें। फ़ोन मेमोरी का फ़ोटो दोस्तों मेमोरी कार्ड में सेव करने के लिए दोस्तों दोनों में टिप सिखाने वाला हूँ। एक तो डायरेक्ट अपन फ़ोटो खींचता है तो तुरंत डायरेक्ट मेमोरी कार्ड में जाएगा, और एक डायरेक्ट अपना फाइल मैनेजर में गैलरी में रहेगा, उसको कैसे ट्रांसफ़र करें मेमोरी कार्ड में। तो सबसे पहले फ़ोन मेमोरी में जाना है। फ़ोन मेमोरी में जाने के बाद अपना जिसमें भी फ़ोटो उसमें चूज़ कर लेना है। चूज़ कर लेने के बाद दोस्तों ऐसे क्लिक करके रख देने का है। उसके बाद डायरेक्ट ऐसा कट के ऊपर क्लिक करना है। कट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों अपन को बैक आना है, डायरेक्ट एसडी कार्ड में जाना है। एसडी कार्ड में जाने के बाद दोस्तों अपन को कुछ नहीं करना है, जो भी फोल्डर में रखना है वो फोल्डर में क्लिक करना है और इधर से पेस्ट कर देना है। जैसे कि ये वाला ऑप्शन है उसमें क्लिक कर देना, पेस्ट कर देना। जैसे कि अभी मेरे को नहीं करना है इसलिए मैं नहीं करता वो। तो अभी मैं दूसरा टिप्स बताने, तो डायरेक्ट फ़ोटो क्लिक करेगा तो डायरेक्ट फ़ोटो क्लिक करने के बाद डायरेक्ट कैसे मेमोरी कार्ड में जाता है। जैसे कि अपने फ़ोन मेमोरी में डायरेक्ट आ जाता है फ़ोटो, तो उनको फ़ोन मेमोरी फुल हो जाता है तो नहीं जमता उनको। तो डायरेक्ट उसमें फ़ोन मेमोरी में कैसे जाए वो मैं सिखा, मेमोरी कार्ड में कैसे जाएगा वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसमें जाने का सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों सिस्टम ऐप में जाने का है। सिस्टम ऐप में जाने के बाद कैमरे पर क्लिक करना है। कैमरे पे क्लिक करने के बाद उसमें डायरेक्ट ऑप्शन आएगा, देखो सेव टू एसडी कार्ड परफेक्ट। उसमें क्लिक करेगा तो डायरेक्ट तुम्हारा फ़ोन मेमोरी का फ़ोटो जितना भी फ़ोन मेमोरी में आता है वो डायरेक्ट मेमोरी कार्ड में जाएगा। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। जैसे कि मैं रियलमी के बारे में वीडियो बनाता हूँ, और दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।